भाई आंखों से तो काम हुआ है, फिर काजल क्यों बदनाम हुआ है? भाई यही सवाल बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणवीर कपूर अपनी आने वाली जबरदस्त एक्शन मूवी यानी कि भैया शमशेरा के नए सॉन्ग के टीजर के माध्यम से पूछ रहे हैं। तो भाई कैसा है शमशेरा के इस नए सॉन्ग का टीजर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणवीर कपूर अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म शमशेरा को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है, जो कि भैया 22 तारीख को ही सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। और भाई इस फिल्म को लेकर इन दिनों खबरों का बाजार काफ़ी गर्म है, और भाई इन खबरों को और गर्म करने के लिए आज इस फिल्म का एक और ज़बरदस्त गर्मा गर्म गाना हम लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई इस सॉन्ग के टीजर के माध्यम से। लेकिन भाई इसमें भी थोड़ी सी भांजी मार दी गई कि भैया इस गर्मी को देखने के लिए यानी भैया इस गर्मा गर्म सॉन्ग को सुनने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिनेमा घर में। यानी भैया इस टीजर के माध्यम से ये बात हमें दिखा दी गई है कि भाई इस सॉन्ग में बहुत ही जबरदस्त लटके झटके दिखाती नजर आएंगे इस फिल्म की मुख्य अदाकारा वाणी कपूर, और भाई उनके इन लटके झटकों का मजा लेते नजर आएंगे सॉन्ग में बॉलीवुड के बाबा यानी कि संजय दत्त, और भाई इन लोगों के रंग में भंग डालते नजर आएंगे रणवीर कपूर अपने इस शानदार अवतार के माध्यम से। यानी भाई इस सॉन्ग के टीजर के माध्यम से ये बात हमें बताने की कोशिश की गई है कि भाई इस सॉन्ग में रणवीर कपूर मोर वाला रूप धरकर मोर बनाने आएंगे। भैया इस महफिल में किसको, इसको समझने के लिए आपको इस सॉन्ग को देखना पड़ेगा सिनेमा घरों में जाकर। तो दोस्तों वाकई में सॉन्ग का टीजर बहुत ही शानदार है, और भाई इसकी ओपनिंग जिस तरीके से हो रही थी उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग लोगों के जुबा पर छा जाएगा जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आ जाएगा। तो भैया चलिए इस सॉन्ग की जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो भैया इस सॉन्ग का बोल है काले नैना, और भाई इस सॉन्ग को गाया है नीति मोहन के साथ मिलकर शहदाब फरीदी और सुदेश भोसले ने, और भाई इस सॉन्ग के म्यूजिक को तैयार किया है मिथुन ने। यानी कि भैया इस बार तो मिथुन लिंक से हटकर काम करते नजर आ रहे हैं, और इसके बोल को भी खुद मिथुन ने ही लिखा है। तो दोस्तों वाकई में सॉन्ग का टीजर बहुत ही दमदार, बहुत ही एनर्जेटिक और भाई बहुत ही आइटम वाला है। तो भैया इस आइटम सॉन्ग को सुनने के लिए हमें सिनेमा घर में जाना पड़ेगा इस बात की जानकारी भैया शमशेरा के मेकरों की तरफ से मिल चुकी है कि भैया ये सॉन्ग जो है वो डायरेक्ट लॉन्च होगा भैया लॉन्चिंग पैड पर यानी कि भैया सिनेमा घर में। यानी कि भैया 22 जुलाई को आप इस सॉन्ग को देख पाओगे सिनेमा घर में। तो भैया आपको कैसा लगा काले नैना का ये टीजर, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोड़ दबाइएगा।